नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी की 8 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। एमपी में 3 बजे तक 59.63% मतदान हुआ है। बता दें आपको कि अब तक 59% मतदान हुआ है, 59% इससे ज्यादा। कहीं कहीं पर हमने ये भी स्थिति देखी जहां पर कम लोग पहुंच रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं पहुंच रहे हैं। इंदौर का भी जिक्र कर लेते हैं, यहां पर भी जो है ज्यादा उत्साह लोगों में नहीं दिख रहा है। वहीं मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर पूरे मध्य प्रदेश में ही नजर आ रहा है। 8 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है वहां पर अलग अलग जिलों में हम देख रहे हैं मौसम का मिजाज बदला हुआ है, पर फिर भी ज्यादा बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हालांकि अभी पूरे परसेंटेज कितने होते हैं शाम तक वो देखने वाली बात होगी, पर लोग पहुंच रहे हैं, कुछ लोग पहुंच रहे हैं। 59% मतदान की बात कही जा रही है। अलग अलग जगह के आपको वोटिंग परसेंटेज भी बताते हैं। इंदौर में 3 बजे तक 48.04% मतदान हुआ है। खंडवा में 63% से ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं अलग अलग जगह का हम जिक्र कर रहे हैं। 8 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और कहां कहां पर कितना हुआ है मतदान वो आपको बताते हैं। 59% से ज्यादा पूरे एमपी में, देवास में 63% से ज्यादा मतदान, धार में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है, इंदौर में 48% से ज्यादा मतदान हुआ है, खंडवा में 63% से ज्यादा मतदान हुआ है। ये अभी 3 बजे तक के आंकड़े हैं जो आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है, धूप नहीं है, लोग निकल रहे हैं घर से, पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। अलग अलग तरह की तस्वीरें भी हमने देखी है, कहीं पर उत्साह देखा गया, अलग अलग मुद्दे जहन में लेकर के मतदाता पहुंचे हैं। साथ ही साथ कई जगह पर हमने लड़ाई झगड़े की तस्वीरें भी देखी। तो 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। सटीक जानकारी हम आपको लगातार सुबह से दे रहे हैं कहां कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा सीट पर मतदान लगातार जारी है और अब तक 59% मतदान हो चुका है। और यह भी कहा जा रहा है कि इंदौर में सबसे कम 48% मतदान हुआ है, जबकि खरगोन में सबसे ज्यादा मतदान होना बताया जा रहा है, 63% से ज्यादा यहां पर मतदान हुआ है। कहीं पर हंगामा, कहीं पर अभद्रता, कहीं पर उत्साह, अलग अलग जगह की तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई सुबह से। तो 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी रही है और वोटिंग के लिए कई जगहों पर कतारें भी लगी नजर आ रही हैं। इस बार ये भी कह सकते हैं कि मौसम थोड़ा सा अनुकूल है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिला है और बारिश भी हुई है, मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में भी, मालवा अंचल में भी बारिश दर्ज की गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है और इसकी वजह से एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इसी की वजह से वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें भी अच्छा प्रतिसाद देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पिछले साल के या पिछले चुनाव की बात की जाए उसके मुकाबले देखा जाए तो अभी ये 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हो सकता है कि जैसे देवास का आप देख रहे हैं 63.08% मतदान 3 बजे तक का दर्ज किया गया, लेकिन 2019 की बात करें तो ये 80 के आसपास ये मतदान प्रतिशत देखा गया था। और वोटिंग प्रतिशत की अगर बात कर ली जाए तो हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए महेश्वर की आपको मेरे पीछे याद आ रही होगी और महेश्वर की ही ये तस्वीर है। माँ नर्मदा यहाँ से बहती हैं और अद्भुत यहाँ पर नज़ारा होता है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत अब आपको दिखा देते हैं इस अद्भुत नज़ारे के साथ। वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा है मध्य प्रदेश की आपको बता दें, आखिरी 8 सीटें हैं, आखिरी चरण है। देवास का वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं 63.08%, 3 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज जो है देवास में दर्ज किया गया है, तो देवास में अच्छा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है। देवास में माता की टेकरी भी है और यहाँ देवास इसलिए भी जाना जाता है, लेकिन अगर बात धार की कर ली जाए तो धार में आपको बता दें कि मुद्दा अभी गरमाया हुआ है, 60.18% मतदान यहाँ पर हुआ है, भोजशाला का मुद्दा यहाँ पर गरमाया हुआ है और इसको लेकर सर्वे जो है वो लगातार चल रहा है। बीते दोनों प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे थे। धार के अब वोटिंग परसेंटेज 60 से ऊपर। इंदौर की बात कर लेते हैं, इंदौर आर्थिक महानगर कहा जाता है, आर्थिक राजधानी, 48.04%, 3 बजे तक इंदौर का मतदान हुआ है। और इंदौर का मतदान की बात करें तो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज इंदौर में ही दर्ज हुआ है। वहीं खंडवा की बात करें तो 59.87% मतदान यहां पर हुआ है। खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं
और यहाँ पर 59% के आसपास मतदान 3 बजे तक दर्ज किया गया। लेकिन उसी के बाद खरगोन की अगर बात कर ली जाए, खंडवा की बात, खरगोन की तो निमाड़ अंचल है, भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन 63.84% मतदान खरगोन में हुआ है। मंदसौर की बात कर लें तो मालवा का बेल्ट है और बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, 61.58% मतदान मंदसौर में भी हुआ है। तो मंदसौर और नीमच मिलाकर के लोकसभा की ये सीट है और काफ़ी यहाँ पर भी बड़ा और कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। रतलाम की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी बड़ी सीट है क्योंकि कांतिलाल भूरिया प्रत्याशी 62.78% मतदान रतलाम और झाबुआ मिलाकर जो सीट है वहाँ पर हुआ है। अनीता नागर सिंह चौहान यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हैं तो कांतिलाल भूरिया कांग्रेस की तरफ से हैं। उज्जैन की बात कर लेते हैं, बाबा महाकाल की नगरी 60% से ऊपर मतदान प्रतिशत यहाँ पर भी चला गया, 60.83% 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर भी दर्ज किया गया। तो ये वोटिंग प्रतिशत अलग अलग सीटों के, 8 सीटों के हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कितना मतदान हुआ है और वोटिंग जो है वो लगातार जारी है, 6 बजे तक ये वोटिंग चलती रहेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि वोटर्स बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुँचेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मेहमान जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। ऋतु हमारे साथ, हमारी सहयोगी जो हैं वो भी लगातार जुड़ी हुई हैं, तो सीधे चलते हैं पहले ऋतु के पास। मेहमानों का भी रुख करेंगे, लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिथिलेश जुड़े हुए हैं इंदौर से, उनका रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, कैसा है इंदौर का हाल, क्या कह रहे हैं वोटर्स और कैसा उत्साह उनमें है, आखिर इतना वोटिंग परसेंटेज में अगर हम देखें कमी क्यों आ रही है? क्योंकि 3 बजे ठीक आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, रोहित नायक जी हैं कांग्रेस से, नेहा बग्गा जी हैं बीजेपी से, रमेश शर्मा हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेहा बग्गा जी, सबसे पहले आपका रुख कर लेती हूं, अभी तक के वोटिंग परसेंटेज पर पहला आपका रिएक्शन। वोटिंग परसेंटेज अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि लगभग 60% के आसपास सभी जगह वोट पड़ चुके हैं। जो मतदाता अभी तक नहीं निकले हैं, पहले मैं न्यूज 18 के माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि लोकतंत्र का महापर्व है, वो लोग निकलें और इसमें अपनी आहुति जरूर देकर आए देश के विकास के लिए, निरंतर देश की प्रगति के लिए। मैं मानती हूँ कि मोदी जी की जो गारंटी है वो जनमन के मानस में बसी हुई है, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे सनातन का परचम हो या विश्व में भारत की साख हो, और इन्हीं सबको लेकर जनता उत्साहित है, निकल रही है, वोट करके आ रही है। निश्चित तौर पर इस बार मिशन 29 को लेके भारतीय जनता पार्टी निकली है और आज सुबह आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो इस फेज में एक और नया प्रयोग किया है, महिला वॉर रूम बनाया है जिसमें महिला वोटर्स जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विमेन सेंट्रिक से हटाकर विमेन लेड गवर्नमेंट चलाकर दिखाया है और प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत वहीं से की थी, महिलाओं को इज्जत घर यानी कि शौचालय उपलब्ध कराने लेकर उज्ज्वला सिलेंडर हो, या सबसे बड़ा निर्णय जो हुआ वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो बिल आज तक अटका हुआ था वो आज 75 साल के बाद इस देश में महिलाओं को 33% का आरक्षण पार्लियामेंट में विधानसभा चुनाव में प्राप्त होगा, उसके लिए पूरा प्रयास किया गया है। दूसरी ओर आज उस सीट पर इलेक्शन है जहां से कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी आते हैं, आसपास के इलाकों में वोटिंग है, महिलाएं देख रही हैं और खास तौर पर जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है वो जानती है कि जिनका अध्यक्ष महिलाओं में चाशनी ढूंढता हो, जिनका एक प्रत्याशी कहता हो कि जो 2 शादियां करेंगे मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चलकर उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा, आज ये महिलाएं निर्णायक भूमिका में है और लोकतंत्र के महापर्व में जवाब देकर वोट देकर इन्हें घर पर बिठाने का काम करेंगे। ठीक रोहित जी, बहुत प्रमोट किया गया नोटा को और 2 लाख से ज्यादा पोस्टर्स भी लगवाए गए, खासा असर इसका दिखा क्या? ये तो चुनाव परिणाम पे पता चलेगा, लेकिन जब वहां पर चुनाव बचा ही नहीं है तो और क्या करा जाए। मतलब हम तो यही चाहते थे कि निष्पक्ष रूप से दोनों पार्टियों के बीच में सबसे बड़ा जो ये पर्व है उसमें चुनाव हो, लेकिन अब जब उम्मीदवार वहां पर नहीं है तो फिर हमको तो ये प्रमोट करना ही है कि किसी ना किसी तरीके से जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसको बचाया जा सके, कम से कम एक इस तरीके का कंसेंसस सामने आए जनता की तरफ से कि भाई ये कौन सा तरीका है, अगर लड़ जाते चुनाव तो कौन सी कोई आफत आ जाती, कम से कम उनके पास एक ऑप्शन रहता लड़ने के लिए और चूज करने के लिए कि भाई किसको चुनना है उनको। आपने लोकतंत्र में एक उम्मीदवार खत्म कर दिया, तो हम तो ये चाहेंगे कि भाई एक ही तो खत्म हुआ है, बाकी तो है
हाँ तो बाकी बाकी हैं, लेकिन जिस तरीके से गुजरात में बात हो रही थी, आप गुजरात की बात कर लीजिए तो इंदौर लोकसभा की बात चुनाव कर में, लेते हैं अभी भले ही अभी हम मध्यप्रदेश, भले ही हम मध्यप्रदेश की बात कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन गुजरात में तो यही हुआ है ना। आपने सतत कई लोगों ने लिख कर दिया है कि आप ये करना क्या चाह रहे हैं भाई, आप कम से कम उम्मीदवार तो खड़ा होने दीजिए, आप उम्मीदवार ही नहीं खड़ा होने दे रहे हैं। कई उम्मीदवारों ने ये बात लिख कर दी कि भाई हमको थ्रेट किया जा रहा है, तो ये कौन सा, ये किस तरह का इलेक्शन है? और जब पर्व की बात हो रही है कि लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, महापर्व है और आहुति देनी चाहिए, तो आहुति में कम से कम यज्ञ तो पूर्ण होने दें, आप पूरे न्यास ही नहीं होने दे रहे, तो कहां से होगा यज्ञ पूरा? तो इस तरीके के हमें तो लगता है कि चुनाव जो है ये, अभी परसेंटेज पे अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज तो इस बार इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि लास्ट फेज है और अभी अभी बहुत समय बाकी है। मुझे लग रहा है जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, काफी इम्प्रूव भी हुआ है पिछले 1.5-2 घंटे में, तो मुझे लगता है कि परसेंटेज 75-80% टच करना चाहिए, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि वोट डालना एक रोहित जी आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, पर अगर ये भी तो कहावत है ना कि अपना ही सिक्का जो है खोटा निकले तो फिर दूसरे को क्या ही कहना, जब आपके नेता कार्यकर्ता दिक्कत जा रहे हैं। बात ऋतु जी केवल सिक्का खोटा होने की नहीं है, खोटा सिक्का जैसे ही दूसरी जेब में जाता है तो वो चलने लायक हो जाता है, बात इसकी भी है, क्योंकि अगर सिक्का खोटा है तो दूसरे की जेब में कैसे चल रहा है। बात यह है कि अगर पार्टी बदलकर कोई कोई व्यक्ति जाता है तो वो कैसे पाक साफ हो जाता है, कैसे महिला, बात कर रहे हैं सशक्तिकरण की, एक बिल की बात करी नेहा जी ने, पता है ये एक 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 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे एक व्यक्ति देश छोड़कर चला जाता है, जो सांसद जिस पर इतने बड़े आरोप हैं, जो आरोपी है सिद्ध मुख्य रूप से, उस पर इतने सारे प्रकरण दर्ज है, तो इस तरीके के लोगों को आप प्रमोट भी तो कर रहे हैं, तो कहा काहे का आप महिला सशक्तिकरण के बिल की बात कर रहे हैं, काहे का महिला सेल और वोटर्स की बात कर रहे हैं? आप तो ये बताएं कि जो आपने विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर वादे किए थे वो कितने आप सक्षम रूप से पूरे कर पाए? जब मुख्यमंत्री जी से ये पूछा जाता है कि भाई लेट क्यों हो गई मेट्रो, तो वो हंसी डिटोले करते हैं, मतलब इस तरीके का एक नॉन सीरियस व्यवहार, एक इतनी बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति, मध्यप्रदेश को गर्त में डाल दिया आपने, जो सावरकर की सोच थी गोवरकर तक आ गई, आप झूठ और कपड़े बदलने के अलावा, बातें बदलने के अलावा और झूठ बोलने के अलावा, आप सूट बदलने के अलावा, कपड़े बदलने के अलावा, आपके पास और कोई बात ही नहीं है। आप ना महंगाई पे बात कर रहे हैं, ना बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, 2014 से पहले की जो बात, यहां रोक रही हूं आपको, उसी बात पे हम बात कर ली जाए तो चाइना का, आज पीएम मोदी ने न्यूज 18 को एक और इंटरव्यू दिया है, मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को दिया इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने, एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने का दावा किया। पीएम मोदी ने न्यूज 18 इंडिया के इंटरव्यू को रिट्वीट भी किया, प्रधानमंत्री मोदी का पूरा इंटरव्यू देखिए शाम 5 बजे। पीएम मोदी का न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शाम 5 बजे, बता दें रिट्वीट ट्वीट भी उनके द्वारा किया गया है। एक्स पर मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को इंटरव्यू दिया गया है, खास इंटरव्यू आज शाम 5 बजे। आज पीएम मोदी ने न्यूज 18 को एक और इंटरव्यू दिया है, मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को इंटरव्यू दिया है और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने का दावा भी किया है। बता दें पीएम मोदी ने न्यूज 18 इंडिया के इंटरव्यू को रीट्वीट भी किया, पीएम मोदी का पूरा इंटरव्यू देखिए शाम 5 बजे। चौथे चरण की वोटिंग जारी है, 3 चरण संपूर्ण हो चुके हैं, ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? खासतौर पर तेलुगु स्टेट्स में भी वोटिंग है। पहले 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उससे मैं साफ देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो जी, सबके सब एक प्रकार से दिशाहीन नजर आते हैं। अब देखिए आपको कहीं पर भी इंडी अलायंस नजर नहीं आएगा, वो नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, वो एजेंडा तय नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध, मोदी को गाली गलौच जी, उसी से उनका काम चल जाएगा और वो उसी के आधार पर जी चुनाव जीतना चाहते हैं। देश, इतना बड़ा देश जी, आज खास करके
जो नौजवान मतदाता है जी, वो ये हमेशा सोचता है कि भी आखिरकार इतने बड़ा देश, इतनी विविधताएं, ऐसा कौन नेता है जी जिसको संभाल पाएगा। नाम बताओ, इंडिया अलायंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं, और वो कहते हैं बाद में, फिर इतना भी कहते हैं कि भाई अभी एक मैंने कहीं अखबार में पढ़ा, वो एक ऐसी फॉर्मूला ला रहे हैं जिस फॉर्मूला में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, हर वर्ष 1 प्रधानमंत्री। अगर हर वर्ष 1 प्रधानमंत्री वो लाएंगे जी, तो आप मुझे बताइए कि देश का क्या होगा। आपको गांव के लोग बढ़िया मजेदार कथा सुनाते हैं जी, कि एक बार 10 किसान इकट्ठे हुए जी, और उन्होंने सोचा कि भाई कुछ पानी के बिना क्या होगा, तो मिलकर के उन्होंने जो पानी की जांच करने वाले लोग हैं तो उनको बुलाया, तो कहा भाई पानी तो निकल सकता है, अगर 100 मीटर ट्यूबवेल कर देंगे तो पानी आपको निकलेगा और पानी मिलेगा। तो फिर 10 किसानों ने कहा ऐसा करो भाई 10 मीटर मेरे यहाँ गड्ढा करो जी, दूसरे ने कहा 10 मीटर मेरे यहाँ करो, तीसरे 10ों ने कहा 10-10 मीटर कर लो, 100 मीटर हो जाएगा, क्या पानी निकलेगा क्या। तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये एक झलक है, पूरा इंटरव्यू आप शाम 5 बजे देख सकते हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया है, 400 पार का दावा उनके द्वारा किया गया है, पूरा इंटरव्यू शाम 5 बजे। आगे बढ़ेंगे, खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वहां पर मतदान भी जारी है, रिएक्शन लगातार हम ले रहे हैं, और आखिर कितने दावे और क्या कुछ है उन पर भी बात कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शर्मा जी। शर्मा जी, पूरे इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज जो है उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ये जो चौथा चरण जिसमें आज मतदान हो रहा है पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी, इस चौथे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। पहले चरण का अगर मतदान देखें और दूसरे चरण के बाद राजनीतिक दलों ने भी, सामाजिक संगठनों ने भी और चुनाव आयोग ने भी जो अभियान चलाए उससे मतदान का प्रतिशत बढ़ा। और अभी जो आपने 3 बजे तक के आंकड़े दिखाए, मुझे लग रहा है इंदौर को छोड़ दीजिए, क्योंकि इंदौर में कॉम्पिटिशन नहीं है, इंदौर में एक ही पार्टी का मतदाता है, तो दोनों पार्टी के मतदाता उदासीन से है। एक पार्टी को लग रहा है कि हम तो अब जीत ही गए, दूसरे को लगता है कि हमारा तो उम्मीदवार ही नहीं है, तो वहां का छोड़ दीजिए। बाकी मध्य प्रदेश भर में मतदान का प्रतिशत 70 को क्रॉस कर लेगा, ये पूरी मुझे उम्मीद दिख रही है। और सबसे ज्यादा जो मतदान होगा, अगर हम केवल आज की बात करें, मध्य प्रदेश की जिन 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसमें से देवास, उज्जैन, मंदसौर, इन इस पट्टी पर मतदान सबसे अच्छा मतदान हो सकता है। और वैसे भी अगर पिछले चुनाव में भी देखें तो इन पर अच्छा मतदान हुआ था। और अगर हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात करें तो इन 8 सीट पर अगर कोई परिवर्तन आगे चल करके हो तो ठीक है, बाकी झाबुआ सीट पर जो मुकाबला हो रहा है, रतलाम झाबुआ सीट पर, वो मुकाबला थोड़ा रोचक मुकाबला हो रहा है। बाकी 7 सीटों पर मतदान प्रतिशत भले ही बढ़े लेकिन मुकाबला उतना रोचक नहीं है, जो भी जीतेगा और हारेगा, हार जीत के बीच में अंतर उसमें थोड़ा ज्यादा ही हो, मतलब अंतर का ही अंतर आएगा, ज्यादा मतदान होगा तो हार जीत का अंतर ज्यादा होगा, कम मतदान होगा तो हार जीत का अंतर कम होगा। रोचक मुकाबला जो है वो रतलाम पर और झाबुआ सीट पर दिख रहा है। और अगर हम पूरे देश भर को भी देखें तो देश भर में भी अगर आप देखेंगे तो इस चौथे चरण में मतदान का प्रतिशत पिछले 3 चरणों की तुलना में बहुत अच्छा होगा। इसमें कई सीटें तो बहुत रोचक है, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, या हैदराबाद में माधवी लता चुनाव लड़ रही है, तो ये जो इस तरह के मुकाबले हैं ये काफी रोचक मुकाबले हैं, इन सब की तरफ पूरे देश की निगाह है। और कुल मिलाकर के अगर राजनीतिक दलों में भी देखें तो आज जनचर्चा इस बात पर नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा, आज जनचर्चा भी अगर आप देखें तो सीटों पर हो रही है, किसको कितनी सीट मिलेगी, किसको कितनी सीट मिलेगी। ठीक है, मिथिलेश हमारे सहयोगी इंदौर से भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और मतदाताओं से बातचीत भी कर रहे हैं, तो मिथिलेश के पास सीधे चलते हैं। मिथिलेश, वोट डालना चाहिए क्योंकि ये अधिकार है हमारा। और बिल्कुल, इस वक्त मैं उज्जैन में मौजूद हूँ और यूथ से ही बात कर रहा था, ये अपना मतदान करके आई है और उनसे ही बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ मन में था इस बार मतदान करने के पहले? मन में था कि कहीं हम एक गलत लीडर ना चूज कर ले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमने जो चूज किया है
वो बाद में लाइक जो एक्सपेक्टेशंस हमने रखी है वो फुलफिल ना कर पाए। तो ये मुद्दे हमेशा सभी के मन में होते हैं वोट करने से पहले। तो वोट किया है और विश्वास के साथ किया है और लीडर पे विश्वास है जिसको भी वोट किया है। और देखिए दूसरी तरफ एक तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिन्होंने पहली बार वोट डाला लोकसभा में, और दूसरी तरफ एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पर्वत लाल जी हैं और इनकी उम्र 98 साल है। ये खुद अकेले यहाँ पर आए मतदान केंद्र में और इन्होंने आकर यहाँ पे मतदान किया। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये घटिया विधानसभा का ढाबला गाँव है और यहाँ पर 3 बजे के लगभग ही 75% तक मतदान हो गया था। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त मतदान केंद्र के अंदर ग्रामीण लोग मौजूद हैं और जबरदस्त उत्साह है ग्रामीण की। अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों की, यहां पर ज्यादा मतदान प्रतिशत देखने को मिला है शहरों की अपेक्षा। उज्जैन के शहर की अगर बात करते हैं, ओवरऑल प्रतिशत की बात करते हैं तो वो 60-61% के आसपास है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर उससे बात करते हैं तो वहां पर लगभग 3-3.5 बजे तक 75% तक मतदान हो गया था। युवाओं से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आपसे बात करते हैं, यूथ क्या सोच के अपना मतदान करता है, यूथ को क्या चाहिए होता है, क्या मुद्दे रहते हैं? बेसिकली एससी सेड हम लोगों को सबको बस प्रोग्रेस ही चाहिए एंड वी जस्ट होप कि हमने जिसको भी वोट दिया है वो हमारी आशाओं पर उम्मीदों पर पानी ना फेरे। अच्छा, इंतजार कितना रहता है आज के दिन का, जब ये रहता है कि मतदान करने जाएंगे? स्पेशली अगर फर्स्ट टाइम वोटिंग हो तो बिल्कुल बहुत ज्यादा इंतजार होता है और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इसके लिए। सुबह से इंतजार था कि आज बस जाना ही है मतदान करने के लिए? बिल्कुल सुबह से इंतजार था एंड एक्चुअली मैं कहीं और थी, मैं ट्रेवल करके यहाँ पर आई बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम लोकसभा का वोट है तो मुझे वोटिंग देनी थी और मैं बिल्कुल आई और लोगों को भी प्रोत्साहन दिया कि वोट तो करना है क्योंकि हमारे लिए जरूरी है हम किसको चूज कर रहे हैं। आगे जाके हम बैठ के सोचे कि अरे यार कोई काम नहीं हो रहा है तो चूज हमने ही किया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मतदान करें। एक सवाल और है, आपका यूथ खुद सोच लेता है कि मुझे किन मुद्दों पे वोट डालना, कौन सी पार्टी ठीक है, कौन से नेता ठीक है, या घर के लोग जहाँ पे या जिसे पसंद करते हैं वहीं हम मतदान कर देते हैं? आज का यूथ खुद से सोचता है, खुद डिसीजन लेता है कि उसको किसे वोट करना है किसे नहीं करना है, क्योंकि आज का यूथ काफी समझदार है और समझता है चीजों को। दूसरों को भी मोटिवेट भी करते हैं हम कि आप घर से जाइए पहले मतदान कीजिए? बिल्कुल मोटिवेट करते हैं कि जाइए मतदान कीजिए, अपना लीडर खुद चूज कीजिए। घर के सभी लोगों ने मतदान कर दिया? जी बिल्कुल, मेरे पूरे घर के सभी लोगों ने मतदान किया। से प्रचार से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये भी जानिए मिथिलेश, लोगों से किन मुद्दों पर वोट किया है? सबसे एक सवाल यूथ से ले लेते हैं, इसके बाद दूसरे लोगों से पूछेंगे, जो प्रचार प्रसार होता है इसका कितना प्रभाव होता है, या जो पार्टियां अपना घोषणा पत्र लेकर आती हैं, अपने दावे लेकर आती हैं? दावे लेकर आती है उससे ज्यादा ये देखा जाता है कि उस पार्टी ने या उस पार्टी के जो सदस्य खड़े हैं उन्होंने क्या काम किया है अभी तक, ये ज्यादा मायने रखता है। वादे तो ठीक है, वादे तो सभी करते हैं, पर अभी तक कितना काम किया है उसके बेसिस पे वादों पे भरोसा किया जा सकता है। जो पार्टियां प्रचार प्रसार करती हैं उसका भी कितना इम्पैक्ट पड़ता है? प्रसार प्रचार का बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि सारे लोगों को नहीं नॉलेज होती है कि कहाँ जाके मतलब कौन कौन सी पार्टी है, कौन लीडर खड़े हैं, उनका क्या चिन्ह है। जब ये पता होगा तभी हम ये देखेंगे कि उन्होंने क्या काम किया है और यही डिस्कशन हम अपने आसपास वाले लोगों से करेंगे, ठीक, और तब जाके हम एक चुनाव करते हैं कि हाँ हमें किसे चूज करना है। बिल्कुल ठीक मिथिलेश। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं।